हेलो वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे आप सब, होप करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द ओनरशिप रिव्यू ऑफ दिस एंड दिस इज द क्लासिक रीबॉर्न 350। एज द नेम सजेस्ट, क्लासिक हैज टेकन अ रीबर्थ विद द सेम बॉडी लैंग्वेज बट द डिफरेंट इंजन। नाउ इट कम्स विद द 349cc सिंगल सिलेंडर जे सीरीज इंजन। सो शुरू करते हैं ओनरशिप रिव्यू। ओनर ये रहे यश भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। बस भाई बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने कब बाय करी और कितने का आपको इसका ऑन रोड पड़ा? भाई ये मैंने 25 दिन पहले लिया है आज की डेट से। अच्छा, और ये मुझे एट लास्ट 2,85,000 तक की पड़ी है। अच्छा, और क्या क्या एसेसरी आपने इंक्लूड करी थी रॉयल एनफील्ड से? मैंने एसेसरीज में रॉयल एनफील्ड से कंपनी से एक तो ये लेग गार्ड हो गया, हाँ जी, इसका स्टंप गार्ड हो गया, ये दो चीजें लगी हुई है। खैर देते हैं ये तो, ठीक है, ये दो चीजें हो गई। कितने का पड़ा था आपको ये लेग गार्ड? लेग गार्ड इसका 2,500-3,000 रुपए के आसपास था। तो क्या लगता है रॉयल एनफील्ड थोड़ा कॉस्टली साइड जा रही है? कॉस्टली तो है ही। और क्या क्या करा रखा आपने मॉडिफिकेशंस के ऊपर? मॉडिफिकेशंस मैंने इतना कुछ खास नहीं करवा रखा है, मैंने बस इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो चीजें आती हैं जैसे सीट कवर हो गए, अच्छा ये हो गया, फोम हो गई, और इसकी लेमिनेशन करवा रखी ऑल ओवर द बाइक। तो ये सारा आपने करोल बाग से कराया? ये सारा मैंने बाहर से करवा रखा है करोल बाग से। इसका एक मीटर का कवर, एक क्रोम है, तो कितने का पड़ गया था ये सारा करोल बाग से टोटल बिल? लैमिनेशन, सीट कवर, ये सब कुछ मिला मिलू के ये 4,500 के अराउंड पड़ गया था मेरे को। अच्छा, और पीपीएफ कितने की थी? पीपीएफ 2,500 के आसपास की करवाई थी मैंने, ऑल ओवर बाइक करवा ली थी। तो वर्थ लगती है मतलब करोल बाग से पीपीएफ कराना? करोल बाग से पीपीएफ कराना अगर आप खुद से अपनी पसंद के जाते हो, आप खुद चेक करके देते हो, अगर आपको ट्रस्ट है उस बंदे पे, जैसे वो दिखा रहा है, जैसे वो बात कर रहा है, उसके वे ऑफ टॉकिंग से, जो भी उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप करवाओ, क्योंकि वहाँ बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। और कितना किलोमीटर चला चुके अभी तक आप इसे? भाई ये मैंने 1,500 चला दिया। अच्छा, तो मतलब अभी तक कुछ ऐसे खराबी इसमें कुछ? भाई बहुत, मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि बेच दूं। बेच नहीं दूं, डोमिनार ले लूं। क्यों भाई, क्या क्या खराबी आई है, चलो एक एक करके बताओ। भाई मेरे को पर्सनली जो चीजें इसकी खराब लगी हैं, पहले तो इधर आओ, ये देखो इसका साइलेंसर है, अभी तो थोड़ी हीट हो रही है, ये देखो तो ये कंपनी से ही ऐसे आया है? ये कंपनी से ही ऐसा आया था, इवन जिस दिन मैंने बाइक ली थी उसके अगले दिन शाम को ये हिलने लग गया था। अच्छा, तो फिर दिखाया कंपनी में दिखाया, कंपनी को 2-3 बार दिखाया, उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा ही है। मैंने कहा ऐसे कैसे, मैं ऊपर गया शोरूम में दूसरी बाइक कहला रहा, मैंने कहा नहीं हिल रहा, कह रहा तो इसकी रबर वगैरह चेंज होगी, मैंने कहा करके दो। फिर उन्होंने बोला फर्स्ट सर्विस पे करवा लेना, मैं फिर फर्स्ट सर्विस 500 किलोमीटर हुई, मैंने फर्स्ट सर्विस पे बोला ये ठीक करो, तो उन्होंने इसकी एक रबर होती है यहाँ पे साइलेंसर की, उससे स्टिक होता है वो, ये वाला ना, ये वाला यहाँ लगती है ये। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने वो भी चेंज करा, उसके भी चार्जेस लिए, मैंने कहा चलो ठीक है, और उसके बावजूद भी फिर भी हिल रहा, फिर भी अब दोबारा हिलने लग गया, ये तो बहुत ज्यादा है अभी, बहुत अच्छा। ज्यादा हिल रहा है, हिल तो रहा है काफी ज्यादा। और कोई दूसरी इसमें? भाई हीटिंग, भाई इस बाइक की हीटिंग, हाँ हीटिंग से तो मैं भी परेशान हूँ काफी ज्यादा भाई, मतलब गर्मी में तो बहुत बुरा हाल है भाई। अगर तुम लाइक चारों तरफ से ट्रैफिक से घिरे हुए हो ना, उतर जाओ बाइक से, चलता फुलती आ गई है उस टाइम पे। और आप ये भी बता रहे थे कुछ इंजन साउंड आ रही है इसमें? इंजन की साउंड थी, वो कंपनी वाले कह रहे हैं कि ये आता ही है, मैंने कहा इतना तो नहीं आता है। एक बार सुना भी देते हैं ना कैसे साउंड है, स्टार्ट सुन सकते होंगे आप, एक किट 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 की साउंड आ रही है, नट बज रहा है। तो क्या था भाई इसका रॉयल एनफील्ड वाले ने क्या कहा फिर इसमें? रॉयल एनफील्ड वाले कह रहे हैं ये ऐसी है, ये इसका मैकेनिज्म है, ये इसका ये है फलाना, मतलब सही नहीं कर रहे हैं वो, सही नहीं कर रहे हैं वो, एक तरीके से बचना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक बार भी इसे खोल के नहीं देखा? खोल के नहीं देखा, मैंने इसकी 3 बार कंप्लेन कर दी। अच्छा। 3 बार कंप्लेन करने के बाद सर्विस पे भी दी, सर्विस पे भी उनके मैकेनिक्स ने चला के देखा, सीनियर मैकेनिक्स ने चला के देखा, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। और इवन स्टार्टिंग में तो अगर इसका जैसे इस समय राइट की तरफ है हैंडल है ना, राइट की तरफ हैंडल पूरा करके अगर आप इसको टर्न करोगे तो इसमें स्टार्टिंग में ना फर्स्ट वीक अराउंड ही इसमें आगे के डिस्क घिसने की आवाज आती थी। अच्छा, हाँ वो तो मेरे में भी ऐसे बहुत ऐसे चुभने वाली आवाज, ठीक है। और अब भी इसमें पिछले व्हील में भी साउंड आती है चलने पे,
अगर जैसे चलते चलते इग्निशन ऑफ कर दो, इंजन ऑफ कर दो, क्लच पे चलाओ न्यूट्रल करके, तो इसमें से आवाज सुनाई देती है। अच्छा, तो मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी रॉयल एनफील्ड ने आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया? नहीं कर पाया, इतनी प्रॉब्लम के साथ क्या मतलब, फीचर्स के नाम पे ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब रॉयल एनफील्ड ने वो तो कर दिया, फीचर तो बढ़ा दिया, बट सही नहीं कर पाया, मतलब ढंग से नहीं रख पा रहे उस फीचर, वही जो दिक्कत है पहले वाले इंजन में थी वो भी है, वो भी है, बस वाइब्रेशन कम हो गई है। वाइब्रेशन अब कम हुई है, मेरी वाली तो अभी भी उतना ही दे रही है। अच्छा, वही इंजन की वजह से? वो इंजन की वजह से या किसी चीज की वजह से, आई डोंट नो दैट। अच्छा, और इस समय ये वाइब्रेशन बहुत ज्यादा दे रही है, या तो ऐसा हो सकता है मैंने कम टाइम में ज्यादा चला दी हो, यार एक बार बताओ। बट कोई लेगा तो ऐसा तो नहीं है कि घर पे खड़ी रखेगा, ना करते करते भी 3 लाख रुपए की बाइक है। सही बात है। एवरेज भाई, इसने पहली सर्विस से पहले 500 किलोमीटर से पहले मैंने इसमें 1000 रुपए का तेल डलवाया था। हाँ। मैंने सर्विस सेंटर से जानने वाला था, मतलब शोरूम से ही 4 लीटर के आसपास लिया था, रिजर्व हटवा के लिया था। अच्छा। ठीक है, उसके बाद मैंने 1000 रुपए का तेल डलवाया, 222 किलोमीटर पे एग्जैक्टली रिजर्व में लग गई थी, 1000 रुपए का तेल पी गई थी, बस 222 किलोमीटर में। 222, तो कितने का एवरेज हुआ? वही 25 एवरेज। अच्छा, ठीक है। उसके बाद अब मैंने क्या बोलते हैं, कल टैंक फुल करवाया था और फिर ये चलाई थी मैंने अराउंड 70-75, फिर भी इसका 25 का ही एवरेज आया। अच्छा, मतलब कुछ एवरेज इतना ही है बस, 20-25। तो सेटिस्फाई तो हो गए नहीं आप इसके एवरेज से? नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो तेल तो पिएगी अब इतनी 350 cc थोड़ी है वो भी बात है, स्प्लेंडर नहीं है, स्प्लेंडर लेते तो वो तो अलग हो जाता। बट ये है कि एक तो मेन इशू इसमें ये भी है, किक भी हटा दी, किक हटा दी यार, एक चीज ये है, और इवन कभी कभार ऐसा लगता है जैसे बैटरी पे लोड पड़ रहा हो फर्स्ट स्टार्ट पे सुबह। तो आपको अभी ऐसा लगता है कि आपको इसकी जगह स्टैंडर्ड ले लेनी चाहिए थी? नहीं, इसके अलग फायदे हैं, स्टैंडर्ड बेसिकली लाइक अपनी तरफ से वो एक थार है। अच्छा, वो एक थार है, उस पर तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स करो, उस पर तुम अपनी कस्टमाइजेशन करो, जो मर्जी वो करो, उसमें अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये इसमें साइलेंसर भी बदलवा लो तब भी पटाखे नहीं फूट रहे बट उसमें ये चीज़ है कि वही आला थार वाला सीन कि जब तक आप उसमें 1-2 लाख रुपए खर्च नहीं करते वो बढ़िया लगने के नहीं, वही और इसमें ये है कि जो कंपनी से आ रखी है वही बढ़िया है, ये तो देखा है, मतलब जो मेरे पास भी है स्टील वाली उसमें भी मतलब मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है कुछ, रेंज रोवर मान लो कोई। अच्छा, तो मतलब आप अभी किसी को ऐसे करते हो कि ले लेनी चाहिए, मतलब किसी को ऐसे एडवाइस करते हो कि ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? भाई मेरे हिसाब से अपने अपने पर्सपेक्टिव से लो। अच्छा, साफ सीधी बात ये है, मतलब ऐसा भी हो सकता है जो आपको दिक्कत आई हो हर किसी को ना, हर किसी को ना है, क्या पता है पीस डिफेक्टिव हो, क्योंकि मेरे को जो प्रॉब्लम्स आई है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई है सारी। अच्छा, ठीक है। इवन भाई ये मेरे को इतनी इस समय शॉक देती है, लाइक हल्के से झटके होते हैं तब भी बहुत बुरे झटके देती है, क्योंकि मैं ना कॉलेज जाता हूँ डेली, अप डाउन करता हूँ डेली का, मेरा ना करते करते भी 60-70 किलोमीटर की राइड होती है। अच्छा, पर डे की राइड, ठीक है, और वो भी 2-4 दिन में ही गया हूँ मैं ज़्यादातर, और उसमें भाई इतनी टायर्डनेस हो जाती है इसकी हीटिंग की वजह से, इसके शॉक्स ज़्यादा मिल जाते हैं कई बार। हाँ, वो तो है, मेरे में इशू है टायर वगैरह का, हर चीज में कुछ कमी कुछ तो मिलेगी, वो तो सब कुछ तो वो हीरा नहीं मिल सकता ना सबको। बट ये है कि अगर रॉयल एनफील्ड को ये चीज दिख रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज को शायद तो सॉल्व करना चाहिए। एक तो इवन इसमें एक चीज और मेरे को अगर मिल जाती जैसे स्टैंडर्ड में मिलती है, हाँ। वो है इनबॉक्स में स्टोरेज। अच्छा, वो स्टोरेज ही नहीं है अब, बिल्कुल ही नहीं है, लाइक अब इसमें टूल किट रखी हुई है, टूल किट के अलावा कुछ भी रखने की जगह नहीं है, जैसे एग्जाम्स वगैरह होते हैं लोगों के, एग्जाम देने जाते हैं ज्यादातर क्या करते हैं, फोन रख देते हैं अपने, फोन रख दिया, वॉलेट रख दिया। वो तो मुझे भी दिक्कत आई थी कि मैं एग्जाम में CUT देने गया था, मैं वही तो फोन भी नहीं आ रहा था इसमें। उस टाइम जब मैं CUT देने गया था ना, लास्ट ईयर जब मैं देने गया था, तब मेरे पास थी स्टैंडर्ड। अच्छा, स्टैंडर्ड उल्टे पैर वाली। अच्छा, ओल्ड मॉडल, वो भी है नोएडा खड़ी है, तो उसमें भाई बॉक्स खोलो स्टोरेज है उसमें, ये मानो कि तुम उसके अंदर दूध की थैलियां रख सकते हो। अच्छा, डिग्गी थी वो उसकी, इसमें तो फोन भी नहीं आएगा इस समय। तो मतलब इंजन अपग्रेड कर दिया बट प्रॉब्लम सारी वही है। इंजन अपग्रेड कर दिया चलो मान लिया, हमने 2-4 फीचर्स दे दिए, जैसे क्या स्टैंड पे गियर के साथ स्टार्ट नहीं होगी बिना क्लच के, हां तो सेफ्टी फीचर्स अच्छे का, सेफ्टी फीचर्स दे दिया, ABS दे दिया, चलो टॉप मॉडल में तो हर किसी में आ ही रहा है, सारी बाइक्स दे रही है, सब कंपनीज इनोवेशन तो कर ही रही है। मुझे ये चीज बेकार लगी रॉयल एनफील्ड में, जैसे वो जो नीचे वाले इसके हुए है क्या शाइन, वो ग्लॉसी वाले जो कलर है इसके, जैसे हेलसन ग्रीन वगैरह, उसमें ABS सिंगल चैनल ही आता है, उसमें ABS सिंगल चैनल ही आता है जिसमें वो रिम वाले हैं। हां बट वो फिर गलत चीज है ना, फिर सिंगल चैनल ABS का फायदा ही क्या है फिर, जिसमें अलॉय है
उसी में डबल चैनल एबीएस है। तो आप ये कहते हो कि मतलब लो तो अलॉय वाला ही लो, अलॉय वाला ही लो, क्योंकि भाई मेरे को पर्सनली वो पसंद। और वो भी है कि साइकिल की डंडी टाइप ट्यूब वाले टायर है, अब उसमें पंचर हो गया, पंचर हो गया लाइक एक घंटा खड़े रहो। आज की डेट में पंचर वाले मना कर देते हैं सीधे कि भाई नहीं हो रहा, नहीं खोलने के। हम पहले पूछते कि अलॉय है या फिर ऐसा है, वो है ट्यूबलेस है ट्यूब वाला है वही बता दो। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है आपको इसमें, तो आप रॉयल एनफील्ड को कुछ कहना चाहेंगे इसमें? रॉयल एनफील्ड को कहना ये चाहेंगे कि आप अपनी सर्व, अगर आप अपने प्रोडक्ट को ढंग से टेस्ट नहीं कर रहे हो, इवन मैंने बात भी करी थी वही चीज़ शायद पहले पुराने मॉडल्स में भी थी, जैसे उल्टे गियर वाली जो बुलेट है उसमें भी वही लीकेज की प्रॉब्लम, वो दो चार हर रॉयल एनफील्ड की बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है आज तक। अच्छा, इसमें जैसे साइलेंसर वाली इशू है, साइलेंसर वाली इशू कईयों में आया है, कईयों क्लासिक में आया है। हाँ, एक तो मेरे सामने ही आया था, दबा देते हैं करते हैं नहीं, वो करते नहीं है कि वो अपनी ना गलती बता के कि भैया ये लूज है वो लूज है ये बदल दिया वो बदल दिया करके निपटा देते हैं। अच्छा, मैंने इवन पता है आज तक वॉश नहीं करवाई है, जब से बाइक ली है मैंने एक बारी अपने हैंड से वॉश करी थी फर्स्ट वीक में, उसके बाद मैंने वॉश नहीं करी है। और भाई कुछ प्रोज वगैरह बताना चाहेंगे इसमें जो आपको चीज अच्छी लगी हो? अच्छी मतलब एज कम्पेयरटिव टू ओल्ड वन। हाँ, हैंडलिंग अच्छा, सेफ्टी फीचर्स, एबीएस, ब्रेकिंग सिस्टम। लाइक पहली चीज पिकअप, पिकअप इसका अभी तो थोड़ा इंजन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इस समय थोड़ा डाउनग्रेडेड हो रखा है, बट जब ये स्टार्टिंग में आई थी पिकअप तो लाइक गोली, जीरो टू हंड्रेड पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं चलता था कब जा रही है। अच्छा, दूसरी गियर में 80, अच्छा तीसरी गियर में 100 पार, ऐसे चलती थी। और अभी तो शायद लिमिटर लगा हुआ है ना इस पे, 120 से ऊपर नहीं जाती, 120 किलोमीटर 120 पे स्टक है बाइक। हाँ, 120 पे स्टक हो जाती है। तो पेंट कैसा लगा भैया, पेंट क्वालिटी बताओ? पेंट क्वालिटी बहुत प्यारी थी, इसी चक्कर में मैंने उसको बचाने के चक्कर में पूरी लेमिनेशन करवा दी, क्योंकि अगर इस पे कुछ भी हो गया टैंक पे, टैंक रिप्लेस सीधा दो कलर आते, एक डेजर्ट वाला है और एक और है ग्रीन कलर का और एक येलो से कलर का। वो मेरे एक दोस्त पे थी, उसका कलर सबसे ज्यादा फेड हुआ, लाइक वो धूप में खड़ी रखता था उसके घर के बाहर ना, टीन शेड टाइप नहीं था कुछ भी, तो उसकी धूप पड़ती रहती थी, तो कुछ टाइम बाद ना करते करते साल बाद उसका कलर ऐसा हो गया लाइक देखने के लिए अट्रैक्टिव ही नहीं बचा। अच्छा, उसने पॉलिश करवा ली, उसके बाद भी पॉलिश के बाद बस शाइनिंग रही है। तो उसे फिर कुछ हेल्प आउट किया रॉयल एनफील्ड ने उस चीज़ में? रॉयल एनफील्ड क्या कहेगा, रॉयल एनफील्ड कह रहा है नया ले लो, बस अगर आपने पीडीआई होती है उसके उस समय नहीं देखा तो नहीं देखा। एग्जैक्टली मेरी बात, जब मैं अपनी बाइक लेके गया था कंप्लेन के लिए, तब एक एम्प्लॉय ने बोला कि तुमने इसकी पीडीआई ठीक से नहीं करी है। अच्छा, दूसरे एम्प्लॉय को। हाँ, तो वो छुट्टे ही ये बोलता कि पीडीआई तो ठीक थी, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं इनकी कंपनी का फ्लॉ है जो ये लुक थ्रू नहीं कर रहे हैं, गो थ्रू नहीं कर रहे हैं, मतलब बढ़ गए आगे। हाँ, बट अभी भी दिक्कतें हैं लाइक स्टाफ वही है। तो आपका कुछ ऐसा था कि मतलब रॉयल एनफील्ड क्लासिक रिबॉन ही लेनी है या फिर कुछ और भी देखा था आपने? भाई बेसिकली मेरे को लेनी थी हंटर। अच्छा, मेरा दिल स्टक था उस पे हंटर पे, क्योंकि हंटर मेरे को प्यारी इसलिए लगी थी क्योंकि वो थोड़ी कॉम्पैक्ट टाइप थी। अच्छा, ठीक है, उसका वेट भी कम, इंजन सेम, ठीक है, स्पीड पिकअप इसके बराबर ही, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं दोनों में, प्राइस का डिफरेंस ही था। हाँ, प्राइस तो थोड़ा कम पड़ती है शायद, वो 220 की है और ये थोड़ी महंगी है, बस यही फर्क है, 3 तक की पड़ जाती है। अच्छा, ठीक है। और मैं हंटर देखने गया था तो मतलब मैं अपनी तरफ से तो बुक कर चुका था, फाइनल करके आ गया था, हाफ पेमेंट करे आया। उसके बाद क्या हुआ कि घर वाले गए, पापा मम्मी गए कि कौन सी बाइक देख रहा है बता, हमें भी बता, हंटर पसंद नहीं आई, ठीक है। तो पापा गए, पापा कहते ये क्या है स्कूटी सही है, वो लगती भी वैसी है, लगती वैसी, चलो मैंने मान लिया क्योंकि उस टाइम, क्योंकि अभी ना इंडिया में वो स्क्रैम्बलर वाला सीन आया नहीं है, जैसे एक्सपल्स भी इतनी नहीं चलती, बहुत बस एक है ना टारगेट ऑडियंस है उनकी, बस अच्छा दो चार करके बस उनका काम तभी चल रहा है, उसके अलावा नहीं चल रहा है। तो कंक्लूजन क्या देखे भाई, हैप्पी हो लेके? हैप्पी मतलब 2,85,000 आपको वर्थ लगता है इस पे खर्च करना? भाई 2,85,000 के समय तो मैं इस पे 3,00,000 रुपए खर्च कर चुका हूँ। अच्छा, लाइक हाँ मतलब इसका चौथा टैंक फुल है। हाँ, वो तो है, चौथा टैंक पेट्रोल तो काफी पीती है भाई, 4,000-5,000 रुपए का तेल डलवा चुका हूँ मैं इसमें 1,500 किलोमीटर में, मतलब 20-25 दिन में। अच्छा भाई,
चलो ठीक है, एवरेज से तो कोई कंप्लेन ही नहीं है हमें, तेल तो पिए। हाँ फिर तो अगर रॉयल एनफील्ड पे भी बोल दो, वो भी कहता है कि 350 सीसी इंजन है, तेल तो पिएगा। अच्छा तो ये सब दिक्कतें थी आपको। इवन मैं तो पता है हंटर लेने के लिए जिद पे अड़ गया, मुझे हंटर ही दिला दो, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, लाइक क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने हिसाब से उसको कंपैटिबल बना चुका था। अच्छा। होता ना खुद से रिसर्च करके, खुद से टेस्ट ड्राइव करके, मतलब मन उस पे आ ही गया था। मन उस पे आ गया था, तो फिर पापा ने बोला कि ये कैसी बाइक है, उसके ना बेसिकली उसका थोड़ा लुक्स जो है ना वो अभी लाइक ठीक से इन्होंने क्या कहते हैं उसे, पर मुझे नहीं कर पाए। पर मुझे रॉयल एनफील्ड का ये लगता है जैसे उन्होंने हंटर डुकाटी स्क्रैम्बलर से चुरा रखी है, फिर सुपर मीटी और हार्ले से चुरा ली पूरी, तो सुपर मीटी और की टेस्ट ड्राइव ली थी भाई, अमेजिंग बाइक है वो, खैर बट पैसे भी तो नहीं है। ठीक है, उसमें ना हंटर में यहाँ पे जो शॉकर है उसका, उसमें रबर दे रखी है जैसे ऑडियो वगैरह में नहीं, गियर वाली साइकिल जो बचपन में चलाते थे, बचपन में जो हम चलाते थे, ठीक है। और उसका साइलेंसर छोटा सा पर साउंड प्यारी करता था, ये तो है, उसका छोटा सा साइलेंसर था। तो फिर आपने 650 सीसी कैटेगरी में कॉन्टिनेंटल कैसी लगी, कॉन्टिनेंटल की ली थी आपने टेस्ट ड्राइव? कॉन्टिनेंटल की टेस्ट ड्राइव ली थी मैंने, कॉन्टिनेंटल मेरे को बेसिकली प्रैक्टिकल नहीं लगी। क्योंकि घर वालों के हिसाब से थोड़ी सेफ्टी वो भी देखेंगे, कहेंगे ये भगा आएगा। अब जैसे घर में लोग तो कोई और चला ही नहीं पाएगा, इसे भी कोई चलाता है नहीं, खैर बेसिकली कोई भी नहीं चलाता मेरे अलावा, तो किसी ने आज तक चलाई नहीं है, बस जब आई थी तब चलाई थी। और ये तो चलो फिर भी इसमें लिमिटर 120 पे है, उसमें तो पूरी जाती है उसमें लिमिटर नहीं है ना। नहीं, मेरे पास है, एक दोस्त के पास है ना, उसके पुराने वाला कॉन्टिनेंटल 535, वो भाई पूरी जाती है। तो ये सब आपको दिक्कतें थी, तो आप मतलब उतना सेटिस्फाई नहीं हो वैसे रॉयल एनफील्ड से? जितना सोचा था ना रॉयल एनफील्ड से उतना नहीं मिल पाया है। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी गिर गई। तो गाइस इवन मेरे को एक और दिक्कत है इस समय, इसके गियर्स, अच्छा गियर्स ठीक से नहीं डल रही है, गियर्स अटकते हैं, गियर्स अटकते वैसे हैं। अटके तो मेरे भी थे, तीसरे के बाद अटकते हैं ये? नहीं, तीसरे के बाद कई बार अटकते हैं। अच्छा, मेरे तो अगर जैसे ट्रैफिक में खड़ा हूँ, न्यूट्रल है या सेकंड में, वन पे नहीं जाएगी कई बार। अच्छा, वन पे डालने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मेरा तो ऐसा था कि सेकंड गियर लगा, तीसरे के बाद अटक रहा है, मैंने वहां पे जाके दिखा, उन्होंने भाई पूरा टैपेट कवर खोल दिया, मतलब इंजन खोल ही दिया उसने आधा, और इंजन के अंदर सही किया फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, अभी तक वैसा ही है, वैसी है, कभी कभी सही चलता है, कभी कभी अटकता है। आगे बढ़ गई बस, इंजन चेंज कर दिया, चिपकाते रहते हैं ये वाले इंजन ना, सच्ची में उसी में ही है बस, मीटियर वगैरह में सक्सेसफुल है, क्योंकि वो थोड़ा हाईवे राइड हो जाती है, ये सिटी में चलाने लायक नहीं है इंजन, नहीं है बिल्कुल नहीं है। अगर तो, आपको सिटी में चलानी है तो हंटर ले लो, बेस्ट वो ठीक है फिर भी। ये तो है। चलो गाइस यही था आज की वीडियो में, और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोल दीजिए, भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाइक की रीच इस समय थोड़ी डाउन पड़ी हुई है, वो सम पर्सनल इश्यूज है उसके, ठीक है, उसको बूस्ट करवाओ, कि उसको एक तरीके से एम्पावर करो, कंटेंट अच्छा दे रहे हैं ठीक है, मेहनत कर रहे हैं देहरादून से आ रहा गाजियाबाद की भाई वीडियो बनाएंगे। तो गाइस यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, है ना, और कमेंट में भी बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा, और शेयर तो भाई सबको कर दो भाई, काफी मेहनत है वीडियोस में। जो भी रॉयल एनफील्ड के बारे में सोच रहा है, लेने की सोच रहा है, जिसको भी पसंद है, ठीक है, आपको पता है आपके म्यूचुअल्स में होंगे बहुत लोग जिनको पसंद होगी, जिनको कोई बाय कर रहा हो कोई सेल कर रहा हो, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है जो लेते वक्त बहुत काम आती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो सबके काम आनी चाहिए, लाइक ठीक है, एक्सपीरियंस ऐसे ही होता है, एक बताएगा दूसरे को उसके काम आएगा, ये तो उसको तो नियम है। गाइस देख लो पसीने भी निकाल दिए हमने वीडियो में, ऐसी गर्मी में, उमस में, वही गाजियाबाद की उमस, गाजियाबाद की उमस। तो इसलिए भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सबको फैलाए भाई, वीडियो जो ले रहे होंगे उन्हें भी फायदेमंद होगी, और भाई मेरी पुरानी वीडियो भी आई थी जिसमें यहाँ पे हेलमेट वगैरह का था, वो यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ से ही पे लिंक आ रहा होगा, और